डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हमारी ज़िंदगी में मैंने कई सारे लोग देखे कि हमेशा वो लोग बीमारियों से जूझते ही रहते हैं। आज एक डॉक्टर हो गया, कल दूसरा, परसों तीसरा, अलग अलग रिपोर्ट्स हर महीने निकालते रहते हैं, बहुत सारा पैसा उनका इन्वेस्ट करते, लेकिन फिर भी उस बीमारी से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ही अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही फाइट करते रहते हैं, क्यों होता है ऐसे? सबसे पहले तो हमें यह समझने के लिए डिसीज को समझना होगा। डिसीज का मतलब क्या है? डिसीज का आप डेफिनेशन ही ले लो। डिस इज मतलब समथिंग इज नॉट इजी विथ यू। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके साथ इजी नहीं है। वो आपके माइंड के साथ हो सकता है, वह आपके बॉडी के साथ हो सकता है। आप कुछ साल पहले ही पास्ट में चले जाइए। क्या आपने कभी सुना है 30 साल पहले किसी फार्मर को डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया? कभी ऐसा सुना है आपने? जी बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी सुना है कि 40 साल पहले किसी फार्मर को आर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया? कभी ऐसा आपने सुना है? यहां तक कि कैंसर भी नहीं सुना। तो हम पहले डिसीज को समझते, डिसीज है क्या। तो डिसीज को दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब है कि ऐसे डिसीज जो एक्सटर्नल एंटिटी के वजह से आपको होता है, कि जैसे आपको कभी किसी मॉस्किटो ने काट लिया, आपको मलेरिया हो गया, या पेट में आपके कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया तो आपको पेट की बीमारी हो गई। तो ऐसे ही कोई एक्सटर्नल एंटिटी के वजह से कोई बीमारी आपको होती है और वो एक से दूसरे को होती है, तो इन डिसीज को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। अगर आपको कम्युनिकेबल डिसीज हो जाए तो बहुत ही अच्छा। यह आपकी बॉडी आपको आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकाल रही है। यह हमें पहले होते थे। पर दूसरे टाइप के जो डिसीज है जिन्हें साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी 700% से बढ़ गई है, जो अब इस इरा में हमें होते हैं, जो शुरू होते हैं हमारे माइंड में। साइकोसोमेटिक, साइको का मतलब है माइंड और सोमा को संस्कृत में कहते हैं बॉडी। तो आपके गलत थिंकिंग के वजह से, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशन, आपका माइंड सारे डिसीजेस को आपके बॉडी में छोड़ देता है। सबसे पहले तो ये डिसीज साइकोलॉजिकल माइंड लेवल पे होते हैं और धीरे धीरे यह सेल्यूलर लेवल पे जब डिजनरेशन शुरू कर देते, उसे ही डिसीज कहा जाता है।